Hello children, welcome to our new video. I am Sudha and today we learn the third part of this chapter, that is chapter 15 from your book New Science Plus. So in third video we know about the soil has layer of gravels, sand, clay and humus. And soil has water. Now in this video we know about the soil has air. Yes, मिट्टी में क्या रहता है? हवा रहता है, है ना? तो कैसे जानेंगे इसको? So we do and learn some एक छोटे से practical के द्वारा. Take some garden soil in a jar, pour water into it slowly. You will observe some bubbles coming up. There are air bubbles. This indicates that the soil contains air trapped between its particles. When water displaces the air, it comes out in the form of bubbles. Okay. So, in this small practical, we know about the soil has air. कैसे? देखो, जब हम एक बर्तन में मिट्टी लेंगे और उसमें पानी को डालेंगे तो मिट्टी में क्या होगा? बबल्स बनने लगेंगे. आपने घर में भी देखा होगा, अगर आप नहा रहे हो बाथरूम में और एक मग को, अगर बाल्टी में भरा हुआ पानी है और उस मग को आप ऐसे पलट के उसमें डालते हो तो उस समय भी बबल्स आते हैं. तो इससे ये पता चलता है, ये जो बाथरूम में जो वो खाली मग है, नहाने वाला मग, वो क्या है? खाली नहीं है, उसमें भी हवा है. सो इस तरह से छोटे से प्रैक्टिकल द्वारा हम जानते हैं कि मिट्टी में हवा है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोयल, कि मिट्टी में मिट्टी के कितने टाइप्स होते हैं, है ना? वो पहले हम लोगों ने देखा था कि मिट्टी के क्या, कभी देखते हैं ना, काली मिट्टी होती है, लाल होती है. तो यहाँ हम लोग वन बाय वन जानेंगे कि मिट्टी के कितने टाइप्स होते हैं. Soil varies in color and composition. Different places have different types of soil. There are three types of soil: sandy, clay and loam. So soil is depend the place. वो place कैसा है उसके अनुसार मिट्टी का color भी निर्भर करता है. जैसे राजस्थान है तो वहां की मिट्टी क्या होगी? Sandy ही होगी, क्योंकि वहां बालू ज्यादा पाया जाता है, है ना? इसी तरह से जगह पर भी निर्भर करता है कि वहां की मिट्टी का कलर कैसा है. अब फर्स्ट में हम लोग जानेंगे सैंडी सोयल. सैंडी सोयल इज कंपोज्ड ऑफ बिग सैंड पार्टिकल्स दैट हैव ए लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन देम. सैंडी सोयल जो होता है उसमें क्या होता है? सैंड का पार्टिकल्स होता है. सो इससे इजिली हम लोग समझ सकते हैं कि वो एयर को स्पेस देता है, एयर उसमें अच्छे से आ जा सकता है, है ना? इट डज नॉट होल्ड मच वाटर, इट इज ड्राई एंड लाइट. सो अगर वो एयर को सैंड है तो सैंड क्या करता है? जल्दी गीला भी होता है और जल्दी सूख भी जाता है. तो ये जो मिट्टी है ये क्या होती है? थोड़ी सी हार्ड होती है, ड्राई होती है, और इसमें ज्यादा पानी को ये होल्ड नहीं कर सकता है. वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन इट. सैंडी सोयल इज मोस्टली फाउंड इन डिजर्ट ऑन द सीसोर एंड रिवर बैंक. ओके, तो सैंडी से मतलब ये है कि ये कहाँ, डेजर्ट जहाँ है वहाँ ये मिट्टी आपको मिलेगी. तो डेजर्ट के पास और सीसोर जो समुद्र का किनारा होता है और रिवर के किनारे के पास, इस तरह की मिट्टी पाई जाती है. और इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने का नहीं रहता है, क्योंकि ये मिट्टी क्या है, जल्दी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और ये मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं मानी जाती है. तो सेकंड है क्ले सोयल. इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्ले सोयल का टाइप्स क्या है. क्ले सोयल हैज होल्ड्स ए लॉट ऑफ वाटर, इट इज स्टिकी, इट डजंट होल्ड मच एयर. सो क्ले सोयल इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. ओके, क्ले सोयल भी प्लांट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ये बहुत स्टिकी होती है, गीला गीला ज्यादा रहता है, चिपचिपापन रहता है. और ये इस वजह से क्या होता है, एयर इसमें एयर जो है, हवा जो है मिट्टी में आ जा नहीं सकती है. देखो क्या होता है कि प्लांट्स का जो रूट होता है,
अगर उस रूट में अच्छे से हवा उसको मिल रही है रूट को, तो वो अच्छे से ग्रो करता है। आपने कभी गार्डनिंग करते हुए देखा होगा गार्डनर को, वो रूट जो प्लांट होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं लाइक फ्लावर्स के भी, उसके रूट के आसपास वो मिट्टी को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा उठाता है ताकि उस रूट को अच्छे से एयर मिले, और गोला बना के उसमें वाटर डालता है। ऐसा आपने कभी देखा होगा। सो क्ले सोयल इज यूज्ड फॉर बाय पोट्रेट टू मेक पॉट्स एंड टॉयज। तो क्ले सोयल का भी अपना एक यूज है, ये प्लांट्स के लिए सुटेबल नहीं है उतना। तो इसका यूज क्या है, इससे पॉट्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, टॉयज बनते हैं, जो आपने देखा ही होगा। यूज भी क्या होगा, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट्स, ये सारी चीजें क्ले सोयल से बनाई जाती है। अ थर्ड वन इज लोम। लोम इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। यस, ये दोनों मिट्टियों का, सैंडी एंड क्ले का मिक्सचर है। सो ये बेस्ट है, क्योंकि सैंडी में क्या होता है, एयर अच्छे से लेता है बट वाटर नहीं लेता है, और क्ले में क्या है, वाटर लेता है बट एयर नहीं लेता है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, इसलिए ये बेस्ट है फिर किसके लिए, ग्रोइंग प्लांट्स के लिए। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। इट इज द आइडियल सोयल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एज इट्स कंटेंट्स ह्यूमस ह्यूमस गिव्स ए डार्क कलर टू द सोयल। ओके, इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में, लोम मिट्टी में क्या होता है कि ये दोनों मिट्टियों का मिक्सचर है, इसलिए ये बेस्ट है। और बेस्ट होने से ये क्या है, इसमें ह्यूमस ज्यादा, ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस ज्यादा रहने से इस मिट्टी का कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है, थोड़ा कालापन आता है इस मिट्टी में, है ना, डार्क हो जाता है। और ये मिट्टी जो है ये प्लांट्स के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक यू इंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।